1970 से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ये तब्दीली नोट की गई कि फिल्मों में उरियानियत का सैलाब उमड़ आया है। साफ सुथरी फिल्मों में भी फहाश गानों की भरमार होने लगी है। इस तजर्बे ने अगरचे उस वक्त उन फिल्म मेकर्स को माली फायदा ज़रूर दिया, लेकिन तारीख में उनका नाम उरियानियत के रुझान को फ़रोग देने वालों में किया गया। फिल्म्स की पेशकश खतरनाक इस तर्ज की फिल्मों में सर फहरिस्त करार दी जाती है। ये पंजाबी फिल्म सिंध और पंजाब दोनों सर्किट में शानदार बिजनेस करने वाली फिल्मों में से एक है और इस फिल्म ने दोनों सर्किट में डायमंड जुबली का एजाज हासिल किया। जी दोस्तों, हमारी आज की फिल्म खतरनाक है, जो 1974 में रिलीज हुई और मुल्कगीर कामयाबी हासिल की। दाहा फिल्म्स के बैनर तले तैयार होने वाली इस फिल्म के फिल्मसाज शाहिद अफजल दाहा थे। फिल्म की कहानी के बारे में कहा गया कि ये 1915 में लिखे एक अमरीकी नावल लॉन स्टार रेंजर्स से अक्स की गई थी। इस नावल के मुसन्निफ जैन गिरे थे। पंजाबी जबान में स्क्रिप्ट सादत हसन जैदी का तहरीर करता था। फिल्म की कहानी मुख्तसर ये है कि सेंट्रल जेल में कैद बहादुरा यानी कि अदाकार यूसुफ खान को उसकी रिहाई की खुशखबरी जेलर सुनाता है। कहानी फ्लैश बैक में जाती है। बहादुरा इंतहाई शरीफ और तालीम याफ्ता नौजवान है। अपने वालिद दिलदार खान यानी के अदाकार अजमल के हुक्म पर लड़ाई से गुरेज करता है। गांव के लोग तंग भी करते हैं तो ये खामोशी इख्तियार कर लेता है। जिंदो यानी के अदाकारा नीलो उससे मोहब्बत करती है, मगर वो उसकी इस खामोशी पर उसे बुजदिली का ताना देती है। बहादुरा अपने वालिद से सवाल करता है कि उसे तालीम क्यों दिलवाई और क्यों गांव आने को कहा। दिलदार खान कहता है कि पढ़ा लिखा जमींदार अनपढ़ जमींदार से बेहतर होता है, और वो ये भी कहता है कि जवानी का जोश बहुत खतरनाक होता है, इसे काबू में रखने की ज़रूरत होती है। वो बताता है कि कभी मैं भी जवान था, फिर वो अपनी ज़िंदगी के एक बड़े राज से पर्दा उठाता है। दिलदार खान, अजमल, सरदारा, मुस्तफ़ा कुरैशी, बे मुल्का, फाजिल भट्ट और साहब जी यानी कि अदाकार अफजाल अहमद, ये चार खतरनाक डाकू हैं। चारों ने लूट मार करके लोगों का जीना हराम कर रखा है। ये चारों डाकू अपना लूटा हुआ माल फैक्ट्री यानी कि अदाकार कमाल रानी के पास जमा करा देते हैं। एक वारदात के दौरान ये चारों डाकू गिरफ्तार हो जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर की दरख्वास्त और अपनी बीवी सीमा के कहने पर दिलदार खान वादा माफ गवाह बन जाता है और अपने तीनों साथियों के खिलाफ गवाही देता है, जिस पर उन्हें 20 साल की कैद की सज़ा होती है। दिलदार खान के साथी उसे धमकी देते हैं कि वो रिहा होकर आएंगे और उससे अपना इंतकाम लेंगे। दिलदार खान अपने बीवी बच्चे समेत एक गांव में शरीफाना ज़िंदगी बसर करने लगता है। ये कहानी सुनकर बहादुरा खामोश हो जाता है और वालिद की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगता है। दिलदार खान को यकीन है कि एक दिन उसके डाकू साथी जेल से ज़रूर आएंगे और अपना इंतकाम लेंगे, इसलिए वो खुद को हमा वक्त तैयार रखता है। अभी उनकी सज़ा ख़त्म होने में 5 साल बाकी हैं कि इतला मिलती है कि तीनों डाकू जेल तोड़कर
फरार हो गए हैं। सरदारा साहब जी और बेमुल्का अपने माल के लिए फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं। यहां से वो दिलदार खान के गांव आते हैं और उसके घर को आग लगाकर चले जाते हैं। बहादुरा को इतला मिलती है कि उसके घर को आग लगी है, तो वो वहां पहुंचा तो माँ मर चुकी थी। दम तोड़ते बाप ने बताया कि उसके डाकू साथियों ने घर को आग लगाई है। उसने वादा लिया कि वो उनसे अपना इंतकाम ज़रूर लेगा। माँ बाप के मरने के बाद बहादुरा का मिशन इन तीनों डाकुओं की तलाश थी। तीनों डाकुओं की एक मुश्तरका साथी क्लब डांसर टीना थी। इसी दौरान एक डाकू बेमुल्का दोबारा गिरफ्तार हो गया। बहादुरा उससे मिलने जेल पहुंचा और उसे फरार करवा कर एक जंगल में ले गया, जहां दोनों के दरमियान लड़ाई हुई और बेमुल्का मारा गया। इसके बाद बहादुरा का दूसरा टारगेट साहब जी बना। क्लब डांसर अनीता की मार्फत साहब जी तक पहुंचा और उसे भी कत्ल कर दिया। और आखिरी मारका सरदारा से हुआ। सरदारा और उसके साथियों को कत्ल करने के बाद बहादुरा ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। फिल्म की कहानी उस दौर की आम पंजाबी फिल्मों से कदरे मुख्तलिफ थी। इस कहानी को बहुत उम्दा तरीके से हिदायतकार रहमत अली ने फिल्माया, मगर रुझान के मुताबिक फिल्म के गीतों को इंतहाई बोल्ड फिल्म बंद करके उन्होंने फिल्म के मियारी होने पर धब्बा लगा दिया। इस फिल्म की फहाशी के खिलाफ उस वक्त मुल्क गिर एहतजाज हुआ। 23 अगस्त को लाहौर और हफ्ता 14 सितंबर को ये फिल्म कराची सर्किट में रिलीज हुई। सेंसर की जद में आई। 11 अक्टूबर को सेंसर से निजात हासिल करके दोबारा रिलीज हुई तो आवाम का समंदर उमड़ आया। नाल चल, नो प्रॉब्लम, जस्ट नो प्रॉब्लम। अदाकारों में यूसुफ खान का किरदार मरकजी नौयत का था, जो उन्होंने कमाल महारत से अदा किया, लेकिन हकीकी मानों में ये फिल्म अफजाल अहमद, मुस्तफ़ा कुरैशी, अनीता और नीलो के लिए ब्रेक थ्रो साबित हुई। नीलो ने इस फिल्म के जरिए दोबारा फिल्मों में कमबैक किया था, जबकि पहली बार नुमाया किरदार में अनीता जलवागर थी। अफजाल अहमद और मुस्तफ़ा कुरैशी की ये वो पंजाबी फिल्म थी जिसने इन दोनों फनकारों को शनाख्त दी और वो सफ़े अव्वल के विलन बन गए। बाद अजां दोनों हीरो भी आए और करेक्टर एक्टर के तौर पर मजबूत किरदार अदा किए और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इनका शुमार लीजेंट स्टार्स में होने लगा। दीगर शोबों की तरह खतरनाक का शोबा मौसीकी भी बहुत उम्दा रहा। फिल्म की कामयाबी में इसके नगमात का भी नुमाया हाथ करार दिया गया। सफदर हुसैन ने फिल्म के 8 गीतों की मौसीकी मुरतब की। ख्वाजा परवेज के गीतों में अपनी आवाज का जादू जगाया माला नूरजहां और रुबीना बदर ने। No problem. Just no problem. मजमूई तौर पर खतरनाक हर एतबार से एक मयारी फिल्म थी, जिसमें उम्दा अदाकारी, बेहतरीन एक्शन और मधुर मौसीकी बुनियादी खूबियां थीं। लेकिन फिल्मसाज की ख्वाहिश ने फहाश मनाजिर की भरमार करके इस मयारी फिल्म को बदनाम जमाना बना दिया और आज तक खतरनाक का शुमार पाकिस्तान की बदनाम तरीन फिल्मों में होता है। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की फिल्म। उम्मीद है हज़्म साबिक आपको हमारा तबसरा पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपनी राय से ज़रूर आगा करें। शुक्रिया।